हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ एसिंग सीआर। इस वीडियो को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने पहले छोड़ा था, दैट इज आइडेंटिफाइंग द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लॉ। और पिछले वीडियो में हमने दो तरह के फ्लॉज को डिस्कस किए थे। वन वॉज दैट इज कंफ्यूजिंग कोरिलेशन विद कॉजेशन, एंड सेकेंड वॉज द लॉजिकल फ्लॉ। अब इस वीडियो में हम बचे हुए फ्लॉज की बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल इवेंट और फ्यू इवेंट्स, देन विल मूव ऑन टू मैथमेटिकल फ्लॉज एंड देन विल मूव ऑन टू रॉन्ग एनालॉजीज। तो हमने दो एग्जाम्पल ऑलरेडी ले लिया था, फटाफट से इस स्क्रीन को हटाते हैं। द थर्ड वन वॉज डू नॉट जनरलाइज ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल इवेंट और फ्यू इवेंट्स। क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल। The widely accepted notion that cigarette smoking leads to lung cancer is fallacious. Amit is a chain smoker for so many years, but he is perfectly healthy without any ailment in his lungs. अब यहां पर author का जो opinion आया है वो क्या है? Opinion is the first line कि ये जो widely accepted notion है, जो common belief है कि सिगरेट स्मोक करने की वजह से लंग कैंसर होता है, ये फैलेशियस है, दैट इज रॉन्ग, एक्चुअली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि ऑथर ने एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट किया है, दैट इज अमित, मे बी नोन टू हिम। क्या है? अमित एक चेन स्मोकर है फॉर सो मेनी इयर्स, बट उनके लंग के फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज परफेक्टली हेल्दी विदाउट एनी एलमेंट इन हिज लंग्स। तो बेसिकली ऑथर यहां पर क्या कहना चाह रहा है? ऑथर ये कह रहा है क्योंकि अमित who has been a chain smoker for so many years, उनके lungs में कोई problem नहीं हुई है। इसका मतलब मैं ये definitely कह सकता हूं कि smoking cigarettes की वजह से lung cancer होता है, ये बिल्कुल गलत है। Can't there be an exception? क्या सबको होना जरूरी है smoking cigarettes से? But majority of the people, अगर because of smoking of cigarettes, they suffer lung cancer, इट इज वेरी ऑब्वियस। आप सिर्फ एक एग्जाम्पल के बेसिस पे ये जनरलाइज नहीं कर सकते। तो यहां पर फ्लॉ क्या था? यहां पर ऑथर का फ्लॉ ये है कि सिर्फ एक सिंगल एग्जाम्पल के बेसिस पर उन्होंने जो वाइडली एक्सेप्टेड नोशन था उसी को गलत प्रूव कर दिया। आप एक एग्जाम्पल पे बेसिस पे नहीं, आपका सैंपल साइज कम से कम इतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए जिसके बेसिस पर एक वैलिड कंक्लूजन फॉर्म हो सके। सो यहां पर व्हाट वाज द फ्लॉ? द ऑथर्स क्लेम इज बेस्ड ऑन अ सिंगल एविडेंस व्हिच मे नॉट बी ट्रू फॉर ऑल। जब आप इतने स्ट्रांगली ओपाइन कर रहे, यू आर सेइंग दैट, इतने स्ट्रांगली आप ये बिलीव करते हो कि दिस इज फैलेशियस विच वॉज अ वाइडली एक्सेप्टेड नोशन, दैट इज रॉन्ग, तो आपको ये मानना पड़ेगा। ये आप तभी कह सकते हो जब ये हर केस में ट्रू हो। बट दिस इज हियर इन दिस एग्जाम्पल वी हैव ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ अमित, सो वी कैनॉट जनरलाइज दिस, राइट? सो दिस इज वन फ्लॉ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, I said you check for the mathematical flaws. अब mathematical flaws के भी दो general common examples है, based on percentage and based on average. सबसे पहले let me talk about a flaw which is based on average. The argument says the average salary of all the employees of company X is ₹25,000 per month. I believe average सब जानते हैं कि average निकलता कैसे है। You need to add all the observations and then you divide by the number of observations. सबसे simple तरीका formula जो है average का, वो मैंने आपके साथ discuss किया है अभी। तो यहाँ पर जो average salary है सारे employees का, कौन से company X का, वो ₹25,000 per month है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं हर एक एम्प्लॉय का जो एवरेज सैलरी वो 25,000 है? नो, सम ऑफ देम इज अर्निंग ऑब्वियसली अबव 25,000, सम ऑफ देम विल बी अर्निंग बिलो 25,000, एंड सम ऑफ देम माइट एक्चुअली अर्न एग्जैक्टली 25,000, राइट? बट ऑन एन एवरेज इट इज 25,000. अमन इज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एक्स, देयरफॉर अमन्स मंथली सैलरी कैन नॉट बी बिलो ₹25,000 पर मंथ। अब देखिए यहां पर कंपनी एक्स की जो एवरेज सैलरी है वो 25,000 है, और जब मुझे ये मालूम है कि एवरेज सैलरी 25,000 है, एंड देन इट हैपेंस दैट अमन इज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एक्स, तो जस्ट बिकॉज ही इन एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, और जिस कंपनी की एवरेज सैलरी 25,000 है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अमन की जो मंथली सैलरी है वो मिनिमम से मिनिमम 25,000 होगा? मतलब क्या हम ये गलत नहीं कह रहे? क्या हमसे ये गलती नहीं हुई है कि आपने एवरेज को बेस फिगर मान लिया? मतलब एवरेज सैलरी इज द मिनिमम वन कैन गेट? नो, दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग। क्योंकि अमन इज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एक्स, आई कैन से दैट
क्योंकि कंपनी एक्स की एवरेज सैलरी 25,000 है, इट डजंट मीन कि अमन की भी सैलरी जो है वो 25,000 मिनिमम है. नो, बिकॉज एवरेज सैलरी कैन नॉट बी द मिनिमम दैट वन कैन गेट. तो यहां पर फ्लॉ क्या है? फ्लॉ है ऑथर अज्यूम्स दैट द एवरेज सैलरी इज द मिनिमम वन कैन गेट. दैट इज अ रॉन्ग थिंग. दैट इज अ रॉन्ग बेसिकली द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट. राइट नाउ नेक्स्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज के ऊपर कैसे बनते हैं आर्ग्यूमेंट देखिए. दिस ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग एडमिशन इन द स्कूल इज 30%, व्हाइल द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज टेकिंग एडमिशन इन द स्कूल इज ओनली 10%. देयरफॉर इट इज एविडेंट दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स दिस ईयर विल बी मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. अब जरा सोचिए, यहां पर यह कह रहे हैं कि इस साल जो परसेंटेज इंक्रीज है इन द एडमिशंस फॉर द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स रेस्पेक्टिवली, तो फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स ये कह रहे हैं कि 30% का इंक्रीज आया है, जबकि फॉर द नंबर ऑफ बॉयज 10% का इंक्रीज आया है. सो मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि पिछले ईयर में देर वर 300 गर्ल्स इन द स्कूल, सो 30% इंक्रीज जो होगा वो 300 पे होगा, दैट इज 90. एंड लेट से देर आर 300 बॉयज और उस पर 10% निकालता हूं तो 30 का इंक्रीज हुआ. तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ऑफ गर्ल्स 390 हो गए और नंबर ऑफ बॉयज 330 हो गए. तो इस बेसिस पे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इस साल नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, लेकिन मुझे क्या मालूम कि 300 गर्ल्स और 300 बॉयज थे. क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर पिछले साल देवर 100 गर्ल्स, 30% इंक्रीज, उस पर कितना इंक्रीज होगा? ओनली 30. So, यहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया? 130. वाइल अगर मैं कहता हूं कि पिछले सारी नंबर ऑफ बॉयज 200 थे, सो इवन इफ देर इज नो इंक्रीज इन द एडमिशन, इवन देन आई कैन से दैट द नंबर ऑफ बॉयज आर मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. सो यहां पर जब तक मेरे पास बेस फिगर नहीं है, मैं ये कैसे कंक्लूड कर सकता हूं कि इस साल नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, the percentage increase in the admission of the number of girls is more than the percentage increase in the number of boys. But hum absolute terms mein ye kabhi bhi nahi keh sakte ki number of girls will be more than number of boys. Nahi, kyunki hamare paas base figure nahi hai. It entirely depends on the number of boys and the number of girls which were there in the previous year. So therefore, yahan par galti kya hai? The author does not consider the base figure of the existing number of boys and girls respectively. Jab tak aapke paas base figure nahi hai, hum absolute figure pe kabhi comment nahi kar sakte. So this was the flaw in the argument. Right. Next flaw, jo maine aapko kaha tha, that is analogies, wrong analogies ya fir wrong comparisons. Let's see the argument here. Kya keh rahe hai? Recent temperature changes in the Amazon rainforest have caused a decrease in local biodiversity. Scientists have concluded, therefore, that the recent decrease in the biodiversity in Alaska is due to recent temperature changes. Amazon rainforest ke andar, jo aapke recent temperature changes hue the, uski wajah se local biodiversity ke andar decrease hua hai. Ye to samajh mein aa gaya. Ye to keh raha hai kyunki ye fact hai. लेकिन इस फैक्ट को यूज करते हुए साइंटिस्ट अगर यह क्लेम कर रहे हैं कि जो रिसेंट डिक्रीज इन बायोडायवर्सिटी अलास्का में देखा गया है वो भी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस हैं, ये मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि अलास्का एंड अमेजन रेन फॉरेस्ट आर टू डिफरेंट एरियाज, सो ये तो उनके ज्योग्राफिक एरियाज पे डिपेंडेंट करते हैं कि वो कहां है. अगर दोनों सेम जगह पर होते तो फिर भी शायद हम ये कनेक्शन बैठा सकते थे. आप बात कर रहे हो दो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में. सो व्हाट सीम्स टू टेक प्लेस इन वन एरिया मे नॉट बी देयर इन द सेकंड. सो देयरफॉर यहां पर फ्लॉ क्या है? द आर्ग्यूमेंट अज्यूम्स दैट द टेम्परेचर चेंजेस इन वन ज्योग्राफिक एरिया विल हैव द सेम इंपैक्ट ऑन द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी द टेम्परेचर चेंजेस इन अदर ज्योग्राफिक एरिया वुड बी. No, that is wrong. There might be difference. It depends. So therefore, यहां पर हमने क्या किया? Wrong analogy, wrong comparison कर दिया. Comparison ही गलत है क्योंकि आपने दो अलग अलग geographic areas को compare कर दिया. So this was the flaw in the argument. So I believe with these examples, जो हम flaw in the argument की बात कर रहे हैं, पिछले video में हमने दो तरह के flaws देखे थे और इस video में तीन तरह के फ्लॉज देखे हैं. कौन कौन से? नंबर वन हमने देखा था जनरलाइजेशन के ऊपर, सेकंड हमने देखा था मैथमेटिकल, जिसके भी दो एस्पेक्ट लिए हमने एग्जांपल के तौर पर, दैट इज एवरेज एंड परसेंटेज, एंड फाइनली वी सॉ
द रॉन्ग कंपैरिजंस. सो इस तरह के फ्लॉज देखने को मिलते हैं जो ऑलरेडी आपको पढ़ने के बाद रियलाइज हो जाएगा कि जिस बेसिस पर ऑथर ने अपना ओपिनियन क्रिएट किया है वही गलत है. फ्लॉ ऑलरेडी दिखाई देता है, हमें अपने तरफ से कोई फैक्ट यूज नहीं करना होता. सो आई अगेन रिपीट, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट एंड फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट. मेक श्योर यू आर एबल टू एक्चुअली क्रिएट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, राइट? सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो ऑफ फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट. फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच. बाय बाय.